जमीनों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है इन शिकायतों की जांच करते हुए जो है राजस्व विभाग के एक मुलाजमों को पद का दुरुपयोग करने का आरोप बताया है। वही एंटी करप्शन ब्यूरो ने करीब 225 कनाल जमीन की अवैध म्यूटेशन मामले में 5 FIR भी दर्ज की है। वहीं ACB के ब्रांच SP सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मामले में 16 लोगों के ठिकानों पर छापे मारे जा रही है और अभी तक जो है लगातार जारी है। ऑफिशियल ने विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एजेंसी फ्रॉम PRO फ्रॉम कस्टोडियन वो लैंड उनके नाम पर ले ली और उन लोगों को थोड़े से अमाउंट दे दिया कि आपको एक्स्ट्रा लैंड दिलवाते हैं या आपको जो लैंड 55-56 में मिली है उसकी जगह हम दूसरी लैंड देते हैं या और लैंड आपको दिलवाते हैं, उनका फार्म लेकर और उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली और वो लैंड उनके नाम करवा कर म्यूटेशन करवा कर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने उनके साथ मिलकर वो गरीब लोगों की लैंड उनके नाम म्यूटेशन करके और बाद में सेल कर दी आगे, जबकि वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ऐसा कर नहीं सकती थी। और ये हमने जो हमारे पास कंप्लेंट तो बहुत ज़्यादा थी जो अभी तक हमने क्लियर किया है, इसमें कोई तकरीबन 225 कनाल लैंड हमने आइडेंटिफाई की जिसकी गलत म्यूटेशन हुई हैं और उन जो 5 म्यूटेशन जिन पर ये सारा काम हुआ है उसके वजह से हमने कल 5 FIR रजिस्टर की हैं डिफरेंट लोगों के खिलाफ। और उसमें जो मेन रेवेन्यू ऑफिशियल थे या लैंड ग्रैबर जो मेन थे वो 16 लोग जो आइडेंटिफाई हुए थे उनके घरों में आज सर्च की गई और सर्च अभी कंटिन्यू है। कश्मीर में स्थित श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की पहली तस्वीरें जो हैं सामने आई हैं। वही पवित्र गुफा में श्री अमरनाथ जी का शिवलिंग अपनी छटा बिखेर रहा है और इस बार जो है 29 जून को शुरू होने जा रही अमरनाथ जी की यात्रा के मद्देनजर जो है पवित्र गुफा परिसर में रंग रोगन व कुछ मरम्मत का कार्य जो है किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा के लिए कमर कस चुका है और देश विदेश के कई श्रद्धालु जो है यात्रा के लिए एडवांस में पंजीकरण करवा चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन बल्ला ने रियासी में आतंकियों की गोली का शिकार हुए बस चालक विजय कुमार शर्मा के गांव दसानु स्थित आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों को जो है सांत्वना दी। वहीं उन्होंने कंडा में हुए आतंकी हमले को कायराना हरकत बताते हुए इसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। उन्होंने सरकार से सिक्योरिटी तंत्र को मजबूत करने और वहीं VDC को सभी अधिकार देने सहित अन्य मांगों को करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। देखो दहशतगर्दी को तो हम कंडेम करते हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है, उसमें कहीं पे भी कतई बर्दाश्त हम नहीं करेंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। आज की सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में है लेकिन जिन परिवार वालों के परिवार जिन्होंने शहादत दिया हम इस वक्त उन परिवार वालों के साथ बीच में उनके आंसू पोंछने के लिए यहाँ से जम्मू से चलकर यहाँ पे आए हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने शहादत यहाँ पे दी और विजय जो ड्राइवर का काम करता था अगर टाइमली एक्शन ना लेता हो सकता वो क्या हाईजैक करके और बाकी लोगों को भी मौत की घाट उतार सकते थे। आज जरूरत है कि प्रशासन चुस्ती दिखाए, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करे। 4 दिन में 4 अटैक होना और उस वक्त अटैक होना जब ये बातें करते थे कि हमने नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, 370 इसलिए हटाया कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी, UT में इसलिए कन्वर्ट किया कि बिल्कुल तबाही हम कर देंगे आतंकवाद की, लेकिन आज देखने में महसूस होता है कि कहीं ना कहीं पे कोताही है। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है, जो रूट्स है उसको अलग करने की ज़रूरत है, विलेज डिफेंस कमेटियों को और अख्तियार दें ताकि वो अपने अपने विलेज को पूरा सुरक्षित यहाँ पे। पशुपालन विभाग द्वारा ईद के उपलक्ष्य पर कल यानी कि 15 जून को हर जिले में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की जाएगी और इन पोल्ट्री उत्पादों की कीमत जो है बाजार में बिकने वाले पोल्ट्री उत्पादों से काफी जो है कम होगी। वहीं विभाग के निदेशक डॉक्टर वहीदा परवीन ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पोल्ट्री उत्पादों को की बिक्री के लिए हर जिले में बूथ लगाए जा रहे हैं जिन पर की चिकन और अंडों की बिक्री की जाएगी। मैं आज का हमारा ईद पे 15 तारीख ईद पे एक प्रोग्राम रखा है जिसके तहत
हम हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो हमारे हैं पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो हम सब्सिडाइज रेट्स पे दे रहे हैं। इसका मेन मकसद होता है कि ये जो हमारा मार्केट है उसको चेक करना। हमारी ये रेट जो होते हैं थोड़े 8-10 रुपए कम होते हैं ताकि ये जो चेक हो जाए, ईद के मौक़ों पे चेक होते हैं। ये इनिशिएटिव हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया और हमें इसकी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में ये बूथ लगने चाहिए। इसलिए मैं सब लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट के फर्द को ये इन्फॉर्म करती हूँ कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट के हर जगह पे डिफरेंट जगह पे बूथ्स लगेंगे, सेल बूथ्स लगेंगे अंडों के और मुर्गों के। मेन इसका हमारा आज है कि हमने HADP और IPDP के तहत लोगों को स्कीमों के तहत बर्ड्स दिए हैं और वो बर्ड्स जो हैं अब मैच्योर स्टेज पे आ गए हैं और हम इसलिए वो उन लोगों को भी फ़ायदा देना चाहते हैं ईद पे, ताकि उनके जो बर्ड्स हैं उनकी भी सेल हो जाए और उनका इसमें प्रॉफिट। दसवीं कक्षा के वार्षिक परिणाम घोषित हो चुके हैं और वहीं विजयपुर के BBN हायर सेकेंडरी स्कूल के दानिश अत्री ने 98.6% अंक लेकर पूरे जिले में टॉप किया है। वहीं स्कूल ने 52 पोजीशन हासिल कर अपना परचम लहराया है और बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय जो है स्कूल के स्टाफ और अभिभावकों को दिया है। आज स्कूल में चेयरमैन डिम्पल शर्मा और प्रिंसिपल संध्या शर्मा ने इन मेधावी बच्चों की पीठ थपथपाई और उन्हें जो है नगद इनाम देकर बधाई दी। आपको बता दें कि BBN हायर सेकेंडरी स्कूल लगातार कई सालों से परिणामों में अपना नाम मेरिट लिस्ट में दर्ज करवा रहा है। मैसेज तो सभी बच्चों के लिए ये रहेगा जो क्लास अभी अपकमिंग बोर्ड आ रही है हमारी, कि आप इन बच्चों से अपना एक रोल मॉडल सेट कर लो, किसी भी एक बच्चे को, और आपने कंपेयर करना है अपने रिजल्ट को उनके साथ, और आपने एक टारगेट सेट करना है कि अगर 493 टॉप है तो अगले 494-495 क्यों नहीं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों में कोई कमी नहीं, टीचर्स में कोई कमी नहीं, हाँ कभी अप डाउन चलते रहते हैं लाइफ में, पर जो बच्चों ने इस बार रंग लाया है मेहनत उनकी जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट में टॉप की है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है पूरा का पूरा स्टाफ, पेरेंट्स भी बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे इस टाइम पे। जैसा बच्चों ने आपको बताया कि स्कूल की तरफ से अगर कमी नहीं रहती है तो बच्चों की तरफ से कोई कमी नहीं रहती है। इवन संडे को हॉलीडेज में जब बच्चों ने बोला, जब स्टाफ ने बोला, बच्चे अवेलेबल हुए, और जब बच्चों को बोला गया तो बच्चे भी आए यहाँ पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में और स्टाफ के बीच में, जो आज ये आप सबके सामने एक रिजल्ट के रूप में सामने आई है। सर ये तो हमारा प्रॉमिस आपसे, हर बार हम यही बोलते हैं कि हम अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे और आपको इससे भी टॉप रिजल्ट आकर दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम जो भी हमारा। जम्मू कश्मीर में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पंचायत घर अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। वहीं विभाग के उदासीन रवैये के कारण इन पंचायत घरों में रखा सामान भी बर्बाद हो रहा है। जम्मू के ब्लॉक मड़ में भी पंचायत घर अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सही रखरखाव ना करने के कारण इन पंचायत घरों में रखा सामान भी धूल फांक रहा है। वहीं पंचायत घरों की खस्ता हालत को लेकर पंचायत के पूर्व सदस्यों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। जो आप देख ही रहे हैं पूरे मड़ ब्लॉक का मैंने देखा है कि सभी पंचायत घर जो है खस्ता हाल में। हमारा पंचायत घर जो है फिर थोड़ा ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे जहाँ सोलर लाइट लगी थी वो सारी टूट चुकी हैं, जो सोलर का सिस्टम लगा था टूट चुका है, कंप्यूटर बंद पड़े हैं। और हमारी सरकार से गुजारिश है कि किसी डिपार्टमेंट को, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जहाँ आंगनबाड़ी शिफ्ट कर दो यहाँ पे, जो लोगों को वहाँ से किराया दिया जा रहा है, कोई आंगनबाड़ी सिस्टम यहाँ पे शिफ्ट कर दो, जितनी देर तक पंचायत की इलेक्शन नहीं हुई इसको मेंटेन कर रखा जाए। और अगर इलेक्शन होती है यहाँ पे चौकीदार जो जरूर होना चाहिए, जो इसकी इवेंट, क्योंकि अंदर हमारे पास कोविड का लाखों का सामान पड़ा है, कोई चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी जिम्मेदारी वो कौन लेगा। जो पंचायतों का टेन्योर था वो जनवरी 2024 में ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद अभी तक इलेक्शन नहीं हुई है पंचायतों की। पंचायतों की इलेक्शन नहीं होगी तो फंड्स कहाँ से आएंगे, और सरकार ने पंचायतों की इलेक्शन करवानी चाहिए ताकि सेंटर से फंड मुहैया हो और यहाँ डेवलपमेंट हो। दूसरा कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो पंचायतों में कंप्यूटर सोलर सिस्टम वगैरह लगवाए गए हैं, तो पंचायतों में पहले तो इन्होंने कहा था कि 5 मेंबर का एक स्टाफ मिलेगा जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, क्लर्क होगा, पीयून होगा, और 2 उसके साथ और जो इनके नुमाइंदे थे वो इनको मिलेंगे। लेकिन कंप्यूटर तो दे दी गवर्नमेंट ने, दे दिए पंचायतों को, इन्वर्टर भी लगा दिए, सोलर सिस्टम भी लगा दिए, लेकिन उनकी जो मेंटेन है
वो अभी ऐसे ही अधूरी है। पंचायत घर बंद हैं, कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं है। पंचायत घरों के आगे पीछे झाड़ियाँ इतनी हैं कि साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है। और कुछ पंचायत घरों की इतनी खस्ता हालत है कि आप वहाँ मीडिया के माध्यम से जाके उसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए कि देखिए कि ये हमारे लोगों का पैसा है। ये जो कंप्यूटर वगैरह खरीदे गए हैं, इन्वर्टर वगैरह लगाए गए हैं, सोलर सिस्टम वगैरह लगाए गए हैं, ये हमारे लोगों के पैसे से ही ये सिस्टम जो है ये लगाया गया है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिश्नोई ब्लॉक के गांव कोटली चाड़का में शमशान घाट की ओर जाने वाली रास्ता का निर्माण कार्य न होने से ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि बारिश के मौसम में खस्ता हालत जो है सड़क की देखने को मिलती है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए जाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग से शमशान घाट के रास्ते को पक्का करने के साथ साथ शमशान घाट में शेड और शौचालय का निर्माण करने की भी मांग की है। एक गुजारिश है, बड़ी चिर की डिमांड है कि साड़ा जिहड़ा शमशान घाट है उसकी हालत बड़ी खस्ता है। वीडियो मैम अगे हाथ जोड़िए प्रार्थना है कि कदे टाइम कढ़ी है तो साढ़े शमशान घाट में आन और यदि हालत दिखन। जब भी कुछ हूँ प्लान बनता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँ वीडियो मैम अगे कि इतने कम से कम कोई 2-4 लाख रुपया रखन ताकि यदा कोई काम हो सके, अगर कोई डिवेलपमेंट हो सके और साढ़े लोगों की सहूलत होवे। इं तो ठीक है, नॉर्मल इस वे मौसम ठीक है, काम चली जाता, लेकिन जल्द कोई बरसात होंगी है इतने पानी भरोची जाता बड़ा। शमशान घाट का 600 मीटर रोड है, ये बनाया जाए और इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होग। और मैं जिले में कोई डैथ होंगी है कुसा की, इधर जिले आसान है, बड़ी परेशानी होंगी है, चिक्कड़ हो जाता, बारिश पड़ती है चिक्कड़ हो जाता और लाश नहीं आती है, कोई भी माड़ी चंगी गल होंगी है। इस रोड के उपर चलना बड़ा फिर साड़ा मुश्किल होंगे है। मैं इे प्रार्थना करना इनके अगर हाथ जोड़िए बेनती करना अपने ग्रां की तरफा का और अपनी तरफा का लंबड़दार की तरफा का कि हाथ जोड़िए बेनती करना कि जोड़ा रूरल डिपार्टमेंट है और PWD डिपार्टमेंट है और जे ये सारा रोड है जरा ये बनाया जाए। कोटली चारका में शमशान घाट का रोड है, उसकी बहुत बुरी खस्ता हालत है। अगर बरसात में किसान हमेरा कम से कम 100-150 एकड़ का इधर आगे एग्रीकल्चर लैंड है, अगर किसानों को भी जहां ट्रैक्टर गुजारना पड़े या खुद भी जाना पड़े तो जाना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी जगह पे शमशान घाट है पर शमशान घाट में हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं। मैं चाहता हूं कि शमशान घाट की चार दीवारी मिले, शमशान घाट में टाइल मिले, शमशान घाट में बाथरूम मिले, शमशान घाट में शेड मिले। इसी के सब रूप मेरा एक रोड था जो बिश्ना से मीरा साहब को टच करता है पर लेकिन कोटली मियां फतेह से बनकर वो मरे कुल्ले चौक में आ चुका है, पर लेकिन उसके आगे PWD विभाग मेरे ख्याल में सोया पड़ा। खबरों का सिलसिला जारी। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, वहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर कई लोगों की अहम जिंदगियां बचाने में अपना योगदान दिया। वहीं कैंप का आयोजन जो है डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर मीना सिद्धू की देखरेख में किया गया था। मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है वो आगे आए और ब्लड दे, और जिसने एक पहली बार ब्लड दिया है, जितने भी डोनर्स हैं वो हमें रेगुलर डोनर्स बने। मेन एम्फेसिस है कि रिपीट रेगुलर डोनेशंस। एक तो जो डोनर है उनसे उनकी भी एक मिनी हेल्थ चेकअप टाइप का हो जाता है जब वो यहाँ ब्लड देने आते हैं, उनका हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुपिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट और पल्स और ब्लड प्रेशर वगैरह जो बेसिक टेस्ट हैं वो हो जाते हैं यहाँ पर आके। इससे उनकी भी हेल्थ का उनको रेगुलरली पता चलता रहता है, उनके लिए भी अच्छा है। दूसरा है उनमें देने की भावना आती है, जब हम किसी को कुछ दान करते हैं तो उसमें खुशी मिलती है। और तीसरा जो है ये जो ब्लड है ये मेनली जैसे हमारा स्टेट में ट्रॉमा जो है वो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा आता है ट्रॉमा यहाँ पर क्योंकि इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन ही इस तरह से है, एक्सीडेंट्स वगैरह। तो उसमें क्या है कि इमीडिएटली हमारे पास ब्लड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। और ये सब कुछ होता है जब हम स्वैच्छिक या वॉलंटरी डोनेशन करें ताकि ब्लड बैंक में जो है किसी को
वेट नहीं करना पड़े किसी भी पेशेंट को। कश्मीर के रक्षक कहे जाने वाले स्वर्गीय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को आज उनके 125वें जन्म दिवस पर याद किया जा रहा है। वहीं भाजपा ने जम्मू के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पार्क में आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देकर कश्मीर को कबाइलियों से बचाने में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया है। वहीं पूर्व मंत्री सत शर्मा सहित भाजपा के अन्य नेता व कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। आज हम सब ब्रिगेडियर जगत सिंह पार्क के बाहर जो उस महान विभूति की एक प्रतिमा है, उस महान विभूति ब्रिगेडियर जगत सिंह और उनकी पूरी टीम को यहाँ पर याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। आज ही का दिन 1899 में जब उनका जन्म बगुना में साबा जिला में हुआ और उस महान विभूति ने जम्मू कश्मीर के इतिहास में अपनी शहादत देकर हम सबके सामने वो दिन रखा है कि आज पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। उस महान विभूति के कारण ही आज अगर हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं, आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, ये उस महान विभूति के कारण था। 23 अक्टूबर से लेकर और 27 अक्टूबर तक जो हमारे इन वीरों ने लड़ाई जारी रखी थी अपनी शहादत। एलिवेटेड फ्लाईओवर की मांग को लेकर आज कुंजवानी में लोगों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान लोगों ने यातायात बंद कर अपना विरोध भी दर्ज किया। लोगों का आरोप था कि कुंजवानी से लेकर नरवाल तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे कि 10 लाख से भी अधिक की जनसंख्या को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व MLC विक्रम रंधावा ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके कुछ अधिकारी जो है केंद्र सरकार की छवि को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हुए जनता को भी परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व इन अधिकारियों ने बड़ी ब्रह्मणा में भी इसी तरह का काम किया था, जिससे कि सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा था। जो है ये केंद्र सरकार के नोटिस में लाने के लिए है। पहले पीसफुली पिछले 3-4 महीने से हमारे सभी यहाँ के नागरिक, हमारे व्यापारी इकट्ठे होके हम नितिन गडकरी जी तक भी मिले हैं और उन्होंने बड़ी पेशेंटियरिंग दी है। आप हैरान होंगे कि उन्होंने खुद माना है कि 10 लाख की आबादी को डिसबैंड कैसे कर सकते हैं, हम लोग उनको कैसे अंधेरे में छोड़ सकते हैं कि ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन होगी, इधर बड़ी दीवार खड़ी कर दो 30 फुट की, वो लोग इधर ना देखें, ये लोग उधर ना देखें, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन उस वक्त क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था तो गडकरी जी ने कहा था कि चुनावों के बाद हम इस पे ध्यान देंगे, लेकिन बदकिस्मती है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर कुछ काली भेड़े ऐसी बैठी हैं जो केंद्र सरकार की विकास की नीति को लोगों में नकारात्मक तरीके से नेगेटिव डिजाइन बना के लेके जा रहे हैं। बड़ी ब्राह्मणा तो उदाहरण बन गया, वो तो छोटा सा स्पैन था 100 मीटर का, आपने पहले पैसे खर्चे 5-6 साल के बाद उसको तोड़ने चले गए। तुम्हारे बाप का पैसा, पब्लिक का पैसा, वो तुम कैसे पहले गल्फ कंस्ट्रक्शन की एक एक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौन उस वक्त इंजीनियर थे, कौन ठेकेदार थे, किसने वो डिजाइन बनाया जो बाद में बड़ी ब्राह्मणा का फ्लाई ओवर तोड़ के पिलर पे उठाना पड़ा। मीडिया के सामने बात रखी है, दिल्ली जाके गडकरी के सामने बात रखी है, गडकरी साहब ने भी आश्वासन दिया था कि ये जो फ्लाई ओवर है ये पिलरों पे एलिवेटेड बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कचुवानी से लेके नरवाल तक 10 लाख पॉपुलेशन है जो डिस्टर्ब होने जा रही है। अगर किसी ने यहाँ से सामनी साइड जाना होगा उसको 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है? एक तरफ मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है, दूसरी तरफ लैब है। कोई इंसान बीमार होगा तो टेस्ट लेके 6 किलोमीटर घूम के जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीनेशनल स्कूल है यहाँ पे 20-25, बंकट हॉल है 40-50, जब बंकट जब शादियाँ होती हैं इतनी जैमिंग होती है यहाँ पे जिसका अंदाजा नहीं, 150 फुट रोड पे, अभी जब 25-25 फुट रोड दोनों साइड दे रहे हैं, एक गाड़ी रुक गई समझे पूरी रोड बंद होगी। अभी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि जैसे कैनार रोड से मुट्ठी तक का फ्लाई ओवर बना है उस तरह से बने, जैसे विजयपुर से लेके सतवारी तक का बना है वैसे बने, कचुवानी से लेके तो नरवाल तक कौन सी इनको तकलीफ होगी है कि जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ 10 लाख आबादी है, वहाँ पे ये ब्लाइंड बार पे लेके जा रहे हैं। हमारी सिंपल रिक्वेस्ट ये है कचुवानी से लेके नरवाल तक ये जहाँ तक भी फ्लाई ओवर जा रहा है
ये एलिवेटेड बने। बकरीद को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और मुस्लिम समुदाय में बकरीद को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं समुदाय के लोगों द्वारा जमकर खरीदारी की जा रही है। वहीं पूंछ में भी कुर्बानी के बकरों की मंडी भी सज गई है। इसमें पूंछ ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी पशुपालक बकरे लेकर जो है मंडी में पहुंच रहे हैं। वहीं बकरा मंडी में इन बकरों को खरीदने वालों की भी भीड़ उमड़ने लग गई है और वहीं पशुपालन विभाग के डॉक्टरों द्वारा मंडी में इन बकरों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। हर आदमी के पास 100-150 रुपया चाली चाली है। तैयारी की बहुत मुश्किल होती है। हम 3-4 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर लेते हैं। उसको दाना, काजू बादाम, छोला और मक दाल सब उसकी सेवा करना शुरू कर लेते हैं। फिर धोना, धो के उसको तैयार करना। आज के दिन की हम भी इंतजार करते हैं कब कुर्बानी आएगी। हमको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगी पारों से। बाकी लेने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लेते हैं। जिसको कोई आदमी है जिससे जैसे पसीन आ जाती है वो ले जाता है। हमको बारे में आ जाता हम भी दे देते। कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। ईद उल अज़हा का जो दिन है वो बहुत ही करीब है और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉलेज ग्राउंड है यहाँ पर एक मंडी लगी हुई है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं जो कुर्बानी के लिए लोगों ने लाए हैं बेचने के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि तरह तरह के जानवर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन एक समस्या जो हमेशा रहती है वो तो सभी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है, सरकार भी जानती है, रेट्स में जो है वो कुछ बात नहीं भर रही है इनके साथ। लेकिन फिर भी जो कुर्बानी करता है उस वो कभी भी कीमत को नहीं देखता है कि उसकी कीमत क्या है। बस उसको जानवर पसंद आना चाहिए, उसकी आंखों में मतलब बैठना चाहिए वो जानवर। तो मैं इस खुशी के मौके पर तमाम लोगों को ईद की एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ, ईद उल अज़हा की। सर, हमारी यहाँ जो ये हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी यहाँ पे ये मंडी इस्टेब्लिश हुई है ईद उल अज़हा के मौके पर, और सर ये यहाँ पे हमारी 3 जगह और इसके अलावा जो है इस्टेब्लिश हुई है मंडी, कनकोट में और ये यहाँ पे एसके ब्रिज के पास और जियालुम के पास। हमारे साथ सर स्टाफ जो है वो भी डिप्लॉयड है। हमारा यहाँ पे मेन काम ये है कि जो जितने भी रैम्स और बक्स यहाँ पे जो सेलर आता है बेचने के लिए, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई इंजर्ड ना हो या किसी तरह की उसको कोई डिफर्मिटी ना हो, ताकि जो वो अगर वो अपना जो रैम या बक को सेल कर रहा है जो बायर है उसको कोई ऐसा माल ना हम वो खरीदे जो इंजर्ड हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो। हम उसको एज ए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन के ऊपर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और हम इनसे सेलर से और जो बायर है खरीदने वाला मुझसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ कुछ ऐसा कोई कोई माल होता है जो हमसे आइडेंटिफाई नहीं होता हो पाता। अगर आपको लगता है कि इस माल में जैसे कोई कुछ डिफॉर्मिटी है या कोई इंजर्ड है तो हमें तुरंत बताएं ताकि हम उस माल को आगे पास। फाइनल कट के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार। सफलता के रंग सीजीसी झंझेरी के संग।